कि आपके एक में सुन लीजिए कमर चिमा, अरे सुन लीजिए कमर चिमा, अरे सुनिए, पाकिस्तान के लोग भाग रहे, कह रहे भागो भागो, कौन आया? तो ठोको ठोको पाकिस्तानी कायरों को, ठोको पाकिस्तान के गद्दारों को, ठोको। आपको मैं चप्पल चोर नहीं बोलने वाला, हो सकता है आप है, आवाज नहीं निकाल सकते, ठीक से नहीं बात कर सकते, टीवी प्रोग्राम पे हो भाई, पाकिस्तानी की तरह बात क्यों कर रहे हो? अक्सर हमने अर्नब को विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ाते देखा है, कभी वह सोनिया गांधी पर टिप्पणी कर देते हैं तो कभी राहुल गांधी पर निशाना लगाते नजर आते हैं। वाड्रा परिवार के प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी आज घर से बाहर पहली बार निकले, पता नहीं कहां थे, कई लोग कह रहे कि अमेरिका में एक शहर है लास वेगास वहां पे गए थे, कई लोग कह रहे लंदन में थे, मगर आज वो पहली बार दिल्ली से अपने घर से निकले। जानते हैं क्यों? क्योंकि वाड्रा कांग्रेस दंगा कराने के बाद अब हिंदू मुस्लिम को बांटना चाह रही है, कांग्रेस चाह रही है कि हिंदू मुस्लिम लड़े जिससे उनकी तुष्टीकरण वाली गंदी राजनीति चलती रहे। कांग्रेस नेताओं, कई ऐसे कांग्रेस नेता है जिनको अरेस्ट किया गया है, और ये राहुल गांधी और ये वाड्रा परिवार, ये प्रियंका वाड्रा, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोले? इसके अलावा वह कई न्यूज चैनलों पर भी भड़क चुके हैं, टीआरपी के फ्रॉड के बाद वह तक चैनल पर तो अपनी टिप्पणी दे ही चुके हैं, लेकिन रजत शर्मा द्वारा टीआरपी फ्रॉड पर कार्यक्रम करने के बाद से वे उनके खिलाफ भी बोल चुके हैं। कुछ भी बोला हमारे खिलाफ, झूठ बोला, टीआरपी चोर बोला, इतना बड़ा झूठ रजत शर्मा आपने इसको मंच दे दिया? क्योंकि हम हिंदी पत्रकारिता में आ गए, क्योंकि हमारा चैनल नंबर वन हो गया, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे पत्रकारिता जो सवाल पूछने लगे लोग आपसे, आपकी अदालत बिठाई, आज खलबली मच गई हिंदी पत्रकारिता, हम पीछे पीकू पड़ गए, आप पीछे पड़ गए क्योंकि आप आम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर, क्योंकि आपने 15 साल 20 साल साफ सीढ़ी दिखाई, डांस प्रोग्राम दिखाया, दुनिया का अंत कल होगा आपने दिखाया। मुंबई पुलिस के खिलाफ भी वह क्या क्या बोल चुके हैं इसके बारे में, बोलने की भी हमें कोई जरूरत नहीं है, अर्नब इन सबसे पंगे भी लेते हैं और मजाक भी बनाते हैं, और दूसरों के बारे में बुरा भला बोलने और मजाक उड़ाने को असल पत्रकारिता समझते हैं। अर्नब देश के लोगों का तो मजाक बनाते ही थे, अब वह पाकिस्तानी पत्रकारों का भी अपनी डिबेट में बुलाकर बेतुकी बातें कर उनका मजाक बनाते हैं। आज हम उनकी कुछ ऐसी ही डिबेट्स दिखाएंगे। पाकिस्तान तो हमारे गोदी मीडिया का एक फेवरेट टॉपिक है, और पाकिस्तान की तरफ से कुछ बयान या कुछ भी हुआ हो, इसे मीडिया में सबसे पहले उठाया जाता है। पाकिस्तान द्वारा सीज फायर तोड़े जाने को लेकर डिबेट हुई, इस डिबेट में पाकिस्तानी पत्रकार अपना पक्ष रख रहे थे, पर अर्नब ने उन्हें चुप करवा दिया और उनके बारे में बेतुकी बातें करने लगे। कमर चीमा मेरी बात सुनो, सुनिए मेरी बात दोस्तों, मुझे कहा गया मैं भारतीय फौज का प्रवक्ता हूं, तो इससे अच्छी बात तो मैंने आज तक नहीं सुनी। दूसरी बात दोस्तों, अब मैं कहता हूं ठोको ठोको पाकिस्तानी कायरों को, ठोको पाकिस्तान के गद्दारों को, ठोको पाकिस्तानी आतंकवादियों को, ठोको इस दिवाली पे पाकिस्तान को, ठोको 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 दोस्तों, ठोको ठोको। गौरव भाटिया, मैं आपके सामने आ रहे, क्या नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र नहीं, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री का नाम है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक से नाम लो, चरित्र पाकिस्तानी, अरे हाँ हाँ करे पाकिस्तानी की तरह हंसमत। आपको ला रहा हूँ, मैं एक बात कहूंगा, इसको वॉल्यूम डाल। अर्नब के खास दोस्त मेजर गौरव आर्या के किसी बयान पर पाकिस्तान में विरोध हुआ, इस मुद्दे पर डिबेट हुई तो पाकिस्तानी एंकर्स अपनी बात रखने लगे, तभी अर्नब ने बीच में बोलना शुरू किया कि आपके एक में सुन लीजिए कमर चीमा, अरे सुन लीजिए कमर चीमा, अरे सुनिए, पाकिस्तान के लोग भाग रहे, कह रहे भागो भागो, कौन आया? मैं तो बोले ही हूं, बोलो तुम। भारत का मेजर गौरव आर्या आया, अरे सुन लो कमर चीमा, सुन लो बाजवा, सुन लो इमरान, हमारा एक मेजर अकेले तुम्हें तुम्हारे डराने और हराने और मारने के लिए काफी है, समझ रहे हो ना, एक मेजर काफी है, तुम भागो जहां भागोगे। अरे सुनो, आपकी जो मानसिकता है ना, आप जितने बड़े डरपोक हो, आप अपने आप को देखो, आज इतनी बेइज्जती आपकी हो रही है, आपके पास, अरे चलो आपके पास कुछ हो ना हो, मगर एक बात जरूर है, एक खूबी है, आपके गले की आवाज जब निकलती है ना, तो उसमें बुजदिली की बू आती है, समझ रहे हो ना कमर चीफ, आपके आवाज में बुजदिली है, पता नहीं क्यों। तुम इतने बहादुर हो तो टीवी का आवाज ऊंचा रखो ना, तुम्हें पता नहीं है गले में। अर्नब पाकिस्तानी पत्रकारों और नेताओं को पहले अपनी डिबेट में बुलाते हैं, फिर उनके बारे में बुरा भला बोलते हैं। ऐसा ही एक वाक्य इमरान खान के किसी बयान को लेकर हो रही डिबेट में देखने को मिला।
मेजर गौरव आर्या ने किसी बयान को अर्नब ने उठाया और पाकिस्तानी गेस्ट की बेइज्जती करनी शुरू कर दी। कमर चीमा सवाल है मेरा, मैं आपको चप्पल चोर बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा। ये नाम आपको गौरव आर्या ने दिया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनकी है। मैं आपको कदे, आप चिंता ना करें, आप हो ना हो, आपको मैं चप्पल चोर नहीं बोलने वाला, तो बुरा ना माने, टेंशन ना करें उस बात को लेकर। हो सकता है आप है, देखिए आपको क्या पढ़िया भाई, अरे कौन होते हो आप, बड़े देशों के बीच में अप डाउन होते रहता है। चीन एक बड़ा देश है, भारत एक बड़ा देश है, इसके बीच ये टिड्डी बड़ा देश, ये टिड्डी चप्पल चोर। देखिए गौरव आर्या, बड़े देशों के बीच में कुछ भी हो कर्नल चैलेंजर से, ये टिड्डी चप्पल चोर बीच में कहां से आ गए, किसने पूछा उनको? जो भी हो रहा है हमारे और लद्दाख, जो भी हो रहा है लद्दाख में, भारत और चीन के बीच में कुछ भी हो रहा हो, आपको मतलब, आपको मतलब मेरे नाम को, अरे रुको सुनो ना जरा, तुमसे मतलब, मैं आपको तुमसे मतलब। पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने पर डिबेट में पहले तो अर्नब पाकिस्तानी गेस्ट को बोलने नहीं देते, जब उन्हें मौका मिला और इस पर सफाई दी, उस बात का मजाक बनाकर हंसना शुरू कर दिया। इस कमर को समझाइए आप, नहीं नहीं आप आरजू काजमी जी कमर को समझाइए, आज आप पिट कर लौट रहे हो, ये पिटी हुई फौज का समर्थन क्यों करते हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ अर्जुन जी, फरमाइए। देखिए अर्जुन जी, जो जो वीडियो आप दिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो जो फौजी है वो भाग रहे, सबसे पहली बात तो ये कि ये भी फौज की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। अरे वाह 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 भारतीय फौज पाकिस्तानी फौज को हारने की ट्रेन, वो वहाँ पे से हटे। फैंटास्टिक 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 फैंटास्टिक, आज कहा गया सर, सुना आपने बिट्टा जी? अरे भाई क्या बात कही बिट्टा जी, क्या बात कही बिट्टा जी, हंस रहे। इमरान खान के बयान पर हुई डिबेट में जब पैनलिस्ट के बीच लड़ाई हो रही थी, तब अर्नब ने बीच में बोलना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी गेस्ट के स्लो बोलने को लेकर उन्होंने उनका मजाक बार बार बनाया। स्टूडियो का मारते हो, औरतों की इज्जत नहीं करते, आज हर जगह पिटते घूमते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को यार? फखर यूसुफ जाए कहां, ये तो बोल ही नहीं पा रहा है गौरव, पेड़ों से नीचे, ये जो जसूस जसूस बोल रहा है तब से, ये तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है गौरव, ये तो बोल ही नहीं पा रहा है। मैं अगर और दो तीन बार सवाल कर लूँ ना वकास अब्रेस खान से, तो ये रोना शुरू करेगा। अर्नब वकास रोना आ रहा है क्या? मेरी बात सुनो वकास, मेरी बात सुनो वकास, वकास जरा जरा एक मिनट, वकास 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 रियाज करो, वकास भारतीय टीवी प्रोग्राम पे हो, वकास आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, सुनो वकास, तुम्हारी आवाज निकलती नहीं है क्या? जोर से बोलो, आवाज नहीं निकाल सकते, ठीक से नहीं बात कर सकते, टीवी प्रोग्राम पे हो भाई, पाकिस्तानी की तरह बात क्यों कर रहे हो? आप मुझे तमीज सिखाएंगे? आप मुझे तमीज सिखाएंगे? को तमीज सिखाओ, मैं पाकिस्तानी के साथ इससे ज्यादा तमीज में बात नहीं कर सकता भाई, पाकिस्तानी हूँ मैं, पाकिस्तानी की तरह कैसे बात करूं? पाकिस्तान और भारत के रिश्ते मिलजुलता वाले होने चाहिए, ना कि नफरत भरे। मीडिया में अक्सर पाकिस्तान का मुद्दा बार बार सुर्खियों में आ ही जाता है, हम उम्मीद यही करेंगे कि दोनों देशों में प्यार बना रहे, ना कि नफरत। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।